अफगानिस्तान से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में यकीबात दिगरे दो धमाके हुए हैं, जिसके बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं, जिसके बाइस हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जबकि ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक काबुल के सरदार मोहम्मद दाद मिलिट्री अस्पताल के करीब यकीबात दिगरे दो धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। नायब तर्जुमान अमारत इस्लामी बिलाल करीमी ने तस्दीक की है कि दारुल हुकूमत काबुल में यकीबात दिगरे दो धमाके हुए हैं। आपको अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से खबर पहुंचाएं, जहां पर एक के बाद एक दो धमाकों के साथ फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं, जिसके 22 हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल में यकीबात दिगरे दो धमाके हुए हैं। पहला धमाका सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल के सामने हुआ, जबकि दूसरा धमाका भी अस्पताल के करीब ही हुआ है। वज़ीर अकबर खान के इलाके में धमाके के दौरान फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई। धमाके में ज़ख्मी होने वाले अफराद को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर एमरजेंसी नाफिज करके ज़ख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है। धमाके के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। ताहम फौरी तौर पर धमाकों की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी हैं, जबकि ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि धमाके के बाद फिजा में धुएं के बादल छा गए और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत से खबर आपको दें, जहाँ पर दो धमाके हुए हैं, जिसके बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं, और पहला धमाका सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल के सामने हुआ, जबकि दूसरा धमाका भी ये बताया जा रहा है के अस्पताल के करीब ही हुआ है। वज़ीर अकबर खान के इलाके में धमाके दौरान फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं, जबकि धमाके में ज़ख्मी होने वाले अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नायब तर्जुमान अमारत इस्लामी बिलाल करीमी ने तस्दीक की है कि दारुल हुकूमत काबुल में धमाके हुए हैं। बिलाल करीमी के मुताबिक दोनों धमाके सरदार दाद खान मिलिट्री अस्पताल के करीब हुए।